आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन, मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको सेफ्टी इन शॉट फायरिंग को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बहुत सारे टर्म्स को डिस्कस किया और कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो रिमेनिंग थे, तो उन्हीं सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे और आपको जो सेफ्टी इन शॉट फायरिंग चैप्टर है उसको भी आज एंड करने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का क्यूरीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आप हमारे PDF के लिए टेलीग्राम ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो वैसे में इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि स्ट्रीमिंग किसे कहते हैं और स्ट्रीमिंग करने का क्या पर्पस होना चाहिए और स्ट्रीमिंग में कौन कौन सा मटेरियल्स को हम यूज़ में लाते हैं। फिर दूसरा है मैगज़ीन, यानी कि जिस हाउस में बारूद को रखा जाता है उसे हम मैगज़ीन कहते हैं। उसके बारे में देखेंगे कि स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, हमें उस घर में कितना एक्सप्लोसिव को स्टोर कर सकते हैं और उसे कैसे हम वेंटिलेशन अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है उसमें देखेंगे कि डिस्पोजल ऑफ आउटडेटेड एक्सप्लोसिव, यानी कि जब एक्सप्लोसिव एक्सपायर हो जाता है तो उसे हम कैसे डिस्पोज करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब समझते हैं कि स्ट्रीमिंग किसे कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग विथ इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस टू शॉर्ट होस आफ्टर चार्जिंग फॉर इफेक्टिव ब्लास्टिंग, यानी कि यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ज्वलनशील नहीं है, उसको है हम शॉर्ट होस में डालते हैं। अब शॉर्ट होस में कब डालेंगे, जब हम एक्सप्लोसिव को डाल दिए अंदर में उस शॉर्ट होस में, उसके बाद हम स्टीमिंग करके उस एक्सप्लोसिव को बाहर ना निकले इसलिए हम उसे पूरा पैक कर देते हैं। तो पैक करने का ही प्रोसेस को स्टीमिंग कहा जाता है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लड़कों ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी एक बम तो फोड़ा ही होगा। आप फेस्टिवल में तो कभी ना कभी एक बम तो एटलीस्ट फोड़े ही होंगे। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले बचपन में एक ग्लास का बोतल ले लिया करते थे। बोतल लेने के बाद दोस्तों हम लोग उस बम को उसमें डाल देते थे। डालने के बाद उसको ढक्कन को लगा देते थे और ढक्कन में थोड़ा सा छेद करके उस बम का जो रस्सी होता है उसको हम लोग बाहर निकाल दिया करते थे। उसके बाद उस रस्सी में आग लगा देते थे। ऐसा करने के बाद क्या होता था कि वो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में उसको बोतल को तोड़ देता था। तो ठीक इसी प्रकार से हम स्ट्रीमिंग करते हैं। जब हमने माइंस में एक ड्रिलिंग करके होल किया, होल करने के बाद एक्सप्लोसिव को प्लेस किया, प्लेस करने के बाद हम उसे पैक कर देते हैं स्ट्रीमिंग के द्वारा। स्ट्रीमिंग करने के बाद हम उसे इग्नाइट, यानी कि यहाँ पे हमने बम को इग्नाइट किया था माचिस के द्वारा और यहाँ पे हम माइंस में उस एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोडर के द्वारा ब्लास्ट करते हैं। तो स्ट्रीमिंग कहता है कि यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस को डाल देते हैं उस होल में, ताकि जो एक्सप्लोसिव है वो बाहर ना निकले और वो ज़्यादा रिजल्ट आउटपुट दे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम्बस्टिबल मटेरियल में हम डालते क्या क्या है। तो इनकम्बस्टिबल मटेरियल के तौर पर हम मेनली तीन तरह का मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। एक होता है सैंड एंड क्ले, यानी कि बालू और क्ले का कुछ मिश्रण होता है। दूसरा है ड्रिलिंग कटिंग्स, जो हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसके द्वारा जो कटिंग्स निकलता है उसे डालते हैं। और तीसरा है वाटर एम्प्यूल। वाटर एम्प्यूल में क्या होता है कि एक ट्यूब होता है जिसको हम होल्स में प्लेस कर देते हैं और बाहर से हम पानी उसमें डाल देते हैं। तो ये सभी हैं इनकम्बस्टिबल मटेरियल। दोस्तों, इन तीनों मटेरियल्स में से किसी एक मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं और यदि इन तीनों में से कोई एक हमारे पास अवेलेबल होता है तो इसी के द्वारा हम स्ट्रीमिंग कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ स्ट्रीमिंग, यानी कि स्ट्रीमिंग करने का क्या मकसद है। तो ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू कन्फाइन द गैसेज जनरेटेड आफ्टर ब्लास्टिंग। दोस्तों, जब भी हम ब्लास्टिंग करते हैं तो
हैवी अमाउंट में गैसेस रिलीज होती है, तो उससे बचाव के लिए हमें जब भी स्ट्रीमिंग करते हैं तो वो सीमित कर देता है गैस को, वो बाहर निकल नहीं पाता है। चूँकि आप पहले से ही पैक कर दिए हैं तो गैस निकलने का संभावना बहुत कम होती है, तो स्ट्रीमिंग का एक ये भी मकसद होता है। दूसरा पॉइंट है टू अप्लाई द मैक्सिमम प्रेशर सो डैट द मैक्सिमम ब्रेकेज इज डन। दोस्तों जब भी हम स्ट्रीमिंग करते हैं यानी कि उस शॉर्ट होल्स को पैक कर देते हैं फुली, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम प्रेशर जनरेट हो जाता है। यही प्रेशर के कारण जो ब्रेकेज है, कोयला का जो तोड़ने का जो क्षमता है वो ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने एक बोतल, ग्लास का जो बोतल है उसको लिया और पैक करने के बाद जैसे ही मैंने वहाँ पे माचिस मारा तो वो बोतल का हर एक कण को तोड़ दिया, वो बहुत पतला पतला एकदम चुन्नी चुन्नी कर दिया उस बोतल को। ठीक उसी प्रकार से जब हम स्टीमिंग करते हैं माइंस में तो वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर जनरेट हो जाता है, और प्रेशर जनरेट के कारण वहाँ पे जो कोयला तोड़ता है एक्सप्लोसिव वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में तोड़ता है। तो यह भी हमारा एक फ़ायदा होता है कि स्ट्रीमिंग करने से। तीसरा है हार्मफुल गैसेस वे आर नॉट एस्केप्ड फ्रॉम होल। स्ट्रीमिंग का यह फ़ायदा होता है कि हार्मफुल गैसेस जैसे आपका मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसेस जो हैं जब ब्लास्टिंग होती है तो वो बाहर निकल नहीं पाती। क्योंकि बाहर क्यों नहीं निकल पा रही, हमने उस होल्स को पैक कर दिया हुआ ऑलरेडी, तो वहाँ से जो हार्मफुल गैसेस जनरेट हो रही है वो बाहर निकल नहीं पा रही। यदि वो बाहर निकल जाएगी तो पूरा माइंस में फैल जाएगी, तो फैलने के बाद हमारा जो स्वास्थ्य है वो उस पर इफेक्ट डालेगा। तो वैसे को हम रोकने के लिए स्ट्रीमिंग करते हैं। स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि जितना भी हार्मफुल गैसेस का बहाव है वो सब शॉर्ट उस होल्स में ही रह जाता है, कुछ हल्का फुल्का अमाउंट में बाहर निकलता है। हल्का फुल्का अमाउंट में जब निकल भी जाता है तो उसे हम वेंटिलेशन के द्वारा उसे वापस एटमॉस्फेयर में मिला देते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटर स्ट्रीमिंग प्रिवेंट्स ब्लोन आउट शॉर्ट। दोस्तों मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में ब्लोन थ्रू शॉर्ट्स और ब्लोन आउट शॉर्ट्स क्या होता है ये सारे को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। यदि आप देखे नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से देख लें उस वीडियो को, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि जो आपको बेटर वे में समझ में आए। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वाटर एम्प्यूल फॉर स्ट्रीमिंग। वाटर एम्प्यूल इज द फिलिंग ऑफ वाटर इन प्लास्टिक ट्यूब एट फेस। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम जब स्ट्रीमिंग करते हैं तो स्ट्रीमिंग में हम इसमें मेनली प्लास्टिक ट्यूब का यूज़ करते हैं। जैसा ही हमने एक्सप्लोसिव को उस होल्स में इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद एक प्लास्टिक ट्यूब को हम डाल देते हैं। प्लास्टिक ट्यूब को डालने के बाद उसमें हम बाहर से पानी को डाल देते हैं। ऐसा करने के बाद दोस्तों वह एक्सप्लोसिव पूरा तरीक़ा से पैक हो जाता है। तो वाटर एम्प्यूल को हम यूज़ करके उस एक्सप्लोसिव को पैक कर देते हैं। वाटर एम्प्यूल को सप्लाई करती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जो भी फैक्ट्री इसे वाटर एम्प्यूल को निर्माण करती है वो हमें प्रोवाइड करती है, और तभी जाके हम इसके माइंस में यूज़ में लाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैगज़ीन। मैगज़ीन क्या है? तो यह मैगज़ीन एक घर होता है जिस घर में हम लोग एक्सप्लोसिव को स्टोर करके रखते हैं। तो मैगज़ीन इज़ अ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग इंटेंटेड फॉर स्टोरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। मैगज़ीन क्या है? यह एक बिल्डिंग होता है जिसमें हम लोग मेनली एक्सप्लोसिव को ही रखते हैं। दोस्तों मैगज़ीन को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसे हमें एक्सप्लोसिव रूल 2008 के अनुसार ही कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। दोस्तों जब भी हम मैगज़ीन का निर्माण करते हैं और मैगज़ीन जब बन के तैयार हो जाता है तो उसमें हमें एक सिक्योरिटी गार्ड को प्लेस करना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को प्लेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि यदि कोई अदर व्यक्ति वहाँ पे मिसयूज़ कर दे एक्सप्लोसिव को तो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में डैमेज हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो उसके बचाव के लिए हमें एक सिक्योरिटी गार्ड को प्लेस करना चाहिए मैगज़ीन में। दूसरा पॉइंट है कि जब भी हम मैगज़ीन को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि वह हमारे माइंस से अप्रोचेबल साइट में हो, यानी कि ये माइंस से हम ईजिली उस जगह पर जा सकें। तीसरा है कंस्ट्रक्टेड एज स्पेसिफिकेशन रूल ऑफ एक्सप्लोसिव 2008। मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो
एक्सप्लोसिव रूल 2008 के ही अनुसार वहाँ पे मैगज़ीन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैगज़ीन का स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है दोस्तों, मैगज़ीन माइन से थोड़ा डिस्टेंस में होता है, वो हो सकता है आपका 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में हो, और वहीं माइंस में कुछ अमाउंट में हम लोग एक्सप्लोसिव को रखते हैं। और तो माइंस में हम किस जगह पे रखेंगे, तो जिस जगह पे हम लोग एक्सप्लोसिव को रखते हैं उस जगह को हम लोग रिवर्स स्टेशन कहते हैं। रिवर्स स्टेशन में हम लोग बहुत कम मात्रा में एक्सप्लोसिव को स्टोर करके रखते हैं। रिवर्स स्टेशन में हम लोग मेनली 50 kg से कम एक्सप्लोसिव को रखते हैं, वहीं हमारा जो मैगज़ीन है उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोग लगभग 2 क्विंटल तक एक्सप्लोसिव को स्टोर करके रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है लोकेटेड इन रिमोट प्लेस। दोस्तों जब भी हम मैगज़ीन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऐसे प्लेस में चुनेंगे जहाँ सुनसान इलाका हो, ऐसा नहीं है कि हम भीड़ भाड़ इलाका में मैगज़ीन को कंस्ट्रक्ट कर दें। ऐसा करने से वहाँ पे कैजुअलिटी यानी कि एक्सीडेंट यदि होगा तो कैजुअलिटी होने का बहुत ज़्यादा संभावना हो जाता है, और वहाँ हैवी अमाउंट में कैजुअलिटी होगा, तो वैसे सिचुएशन से बचने के लिए हम जब भी एक्सप्लोसिव को रखने के लिए उस घर को कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी कि मैगज़ीन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वह रिमोट प्लेस पर होना चाहिए। छठा पॉइंट है प्रॉपरली वेंटिलेटेड इन जेड टाइप। जब हम मैगज़ीन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जो वेंटिलेशन होगा वो जेड टाइप पे होगा। अब जो लास्ट टॉपिक आता है वो है डिस्पोजल ऑफ आउटडेटेड एक्सप्लोसिव, यानी कि वैसे एक्सप्लोसिव जो एक्सपायर हो गए हैं उसे हमें कैसे डिस्पोज करना है, उन सारी बातों को हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहला है डिस्पोजल ऑफ एक्सप्लोसिव इज़ अ वेरी रिस्की जॉब। दोस्तों जो भी एक्सप्लोसिव को डिस्पोज करने का जो कार्य है वह बहुत ही हाईली रिस्की होता है। देयरफॉर इट शुड बी डन इन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार ही हमें डिस्पोज करना चाहिए, अंडर द गाइडेंस ऑफ कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र के गाइडेंस पे ही हम आउटडेटेड एक्सप्लोसिव को डिस्पोज करना चाहिए। आउटडेटेड एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी डम्प्ड इन गार्बेज। कभी भी आउटडेटेड एक्सप्लोसिव को गार्बेज पर डंप नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव फ्लोइंग जनरल मेथड इज डन फॉर डिस्पोजल ऑफ आउटडेटेड एक्सप्लोसिव, यानी कि एक्सप्लोसिव का प्रॉपर्टीज़ के अनुसार ही हमें उसे डिस्पोज करना चाहिए। यदि उस एक्सप्लोसिव का प्रॉपर्टीज़ कम है तो उसे हम बर्न कर सकते हैं रिमोट प्लेस में, ऐसा नहीं है कि हम भीड़ भाड़ इलाका में उसे आउटडेटेड एक्सप्लोसिव को बर्न करेंगे। उसे हम रिमोट प्लेस में ले जाके जहाँ पे आबादी ना हो, कोई आदमी ना हो, तो वैसे जगह पे हम उसे बर्न करेंगे। दूसरा है थ्रोइंग इन वाटर। यदि कोई रिवर है, झील है, उस तो वहाँ पे हम आउटडेटेड एक्सप्लोसिव को डिस्पोज कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंसल्टिंग मैन्युफैक्चरर। जो भी संस्था हमें एक्सप्लोसिव बना के देती है उसे हमें कंसल्ट करना चाहिए, उसे हमें पूछना चाहिए कि भैया जो ये एक्सप्लोसिव है उसे हम कैसे डिस्पोज करें। जो लास्ट पॉइंट है वो है कंसल्टिंग पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट। जो बॉम्ब डिस्पोजल संस्था है जो बॉम्ब को डिस्पोज करती है उसे हमें पूछना चाहिए कि कैसे हम इस बॉम्ब डिस्पोज करें, एक्सप्लोसिव को डिस्पोज करें, और जब भी हम डिस्पोज करेंगे तो अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के गाइडेंस पे ही हम डिस्पोज करेंगे। तो ये सभी थे डिस्पोजल ऑफ आउटडेटेड एक्सप्लोसिव। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यहीं पे आपका जो फिफ्थ चैप्टर है सेफ्टी इन शॉर्ट फायरिंग वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बने रहिए मेरे साथ।